हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट द करी। क्यों ना आज हो जाए थोड़ी चटपटी चाट वाले सफ़ेद मटर। ये है स्ट्रीट फूड, इंडिया में काफ़ी खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है और फटाफट बन जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं सफ़ेद मटर और उसको प्रेशर कुकर में 2 सीटियाँ लगा दी हैं और ये अलग रख दिया है। और आपको चाहिए छोटा कटा प्याज, यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर, और फिर है हरा धनिया, जिंजर छोटा कटा, हरी मिर्च स्वाद अनुसार, और फिर हैं थोड़े और मसाले जो है चाट मसाला, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा, यहाँ है स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा काला नमक, और फिर ली है मैंने चिली फ्लेक्स। और फिर एक और इंग्रेडिएंट चाहिए, ये है नींबू का रस। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बोल लिया है और उसमें सारे मसाले डाल दूंगी। ये है अमचूर, और फिर है लाल मिर्च, चाट मसाला, और फिर है ये भुना हुआ जीरा का पाउडर। अभी सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा नमक होता है, तो आप अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से नमक डालेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और फिर डालूंगी थोड़ा सा काला नमक भी। और अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से यहाँ पे मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये इजीली स्किप कर सकते हैं। अभी सारे मिक्सचर को हम एक मिक्स कर देंगे। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। अगेन हम इसको अच्छे से मिक्स करके मिला देंगे, एक पेस्ट के फॉर्म में बना देंगे। देखिए कुछ इस तरह ये बन गया है हमारा पूरा फ्लेवरफुल मसालेदार मिक्सचर। अब जब ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए मटर। मैं यहाँ पे उबले मटर को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और हल्के हल्के हाथ से मिक्स करूंगी। इस रेसिपी को आप वाइट चनों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। सेम रेसिपी हमारे चैनल में एक और है। यहाँ पे पहले मैंने थोड़े से मटर मिक्स किए हैं, अब मैं इसमें और मिक्स करने वाली हूँ क्योंकि ये काफ़ी सारा मिक्सचर है। चलिए अब इसको भी हम मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब ये रेडी है हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब ये सारा आप पेस्ट बना दीजिए। अब खाने से पहले इसको करिए सर्विंग बोल में सर्व। देखिए कुछ इस तरह, अब बस रेडी है, ये सीधा इस तरह खाया जाता है। आप ये खूब सारा बना के रखिए, पर जब सर्व करिए तो इसको इस तरह करिए। अब इसमें हम डाल देंगे छोटे छोटे कटे प्याज, ये मैं एक सर्विंग रेडी कर रही हूँ, और फिर डालिए छोटा छोटा कटा टमाटर, फिर डालिए इसमें छोटा छोटा कटा अदरक। हाँ, ये एक पोषणिंग के लिए है तो यहाँ मैं थोड़ा सा डालूंगी, और फिर डालिए आप फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज। अगेन ये अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से, पर हाँ इसमें ग्रीन चिलीज बहुत बढ़िया लगती हैं। नेक्स्ट मैं डालूंगी इसमें नींबू का रस। यहाँ पे बड़े साइज का एक लेमन है और उसका मैंने आधा नींबू का रस डाल दूंगी। चलिए अब इसको करिए मिक्स। और लास्ट में डाल दीजिए, इसको अच्छे से गार्निश करिए फ्रेश कोरिएंडर के साथ। चलिए अब हमारे तो हो गए हैं वाइट मटर की चाट रेडी। अब इसको किसके साथ खाइए, आप इसको खा सकते हैं रोटी के साथ, आप चाहें तो कुलचों के साथ खा सकते हैं, इसको ऐसे भी खा सकते हैं। यहाँ मैं फटाफट ये रेडीमेड कुलचे लाई हूँ और इसको तवे में पकाने वाली हूँ। तवे में डालूंगी थोड़ा सा बटर और बस
कुलचों में हल्का हल्का बटर लगाइए और इसको एकदम क्रंची क्रंची बनाइए और गरम गरम खाइए, कुछ इस तरह। दोनों तरफ लगा लीजिए अच्छे से बटर और ये देखिए इस तरह हल्का हल्का क्रंची क्रंची बनाइए और खाइए हमारे मटर की चाट के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो करिए हमारे इस वीडियो को लाइक और फिर हमारे व्हाट द करी चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, तभी मिलेंगे आपको इस तरह के बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट टाइम। Bye for now.